इलेवेंथ वाला जो मेथड है वो भी फिजेबल है, आपके पास सोल्यूशन है, तो आप दोनों तीनों तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को। आगे मैं अगर जो आप इलेवेंथ का तो यू ऑलरेडी नो चेक करके आए उसको, अभी इन बुकों में जो चीज दे रखी है उनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए साथ में तो बेहतर ही है। एक अल्टरनेट नहीं बनता है तो फिर वो तो इलेवंथ वाला ऑप्शन तो अपने पास बचे। वही थोड़ा सा शॉर्ट करके इसमें दिखा दिया यहाँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होता था, यहाँ पे बिल्कुल एक ही स्टेप में, यानी तो एक ही स्टेप में खत्म कर दिया। और किसी को कोई क्वेरी बेटा इसमें क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में नहीं है सर, आप मीटिंग मीट पे ले लिया करो सर। मीट पे मैं यस अभी एक्चुअली वो वाला प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किया नहीं था, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा था उसको। सर एक्चुअली बाकी काफी सारे डिस्कनेक्ट हो रही है, मुझे लगता है कि उसी पे आना ही पड़ेगा। चलो यस नेक्स्ट सर क्लास तो हम लोग ना गूगल मीट पे ट्राई करते हैं, है ना, उसका एक्सपीरियंस ठीक रहेगा तो फिर हम लोग उस पर कंटिन्यू करेंगे। एटलीस्ट ये जो बीच में जो क्लास छूटती है ये वाला टाइम तो हमारा सेव हो जाएगा, यस सर, चलिए रिकनेक्ट बात होगा। सारे टीचर्स मीट पे ही लेते हैं। थैंक यू मुझे सर। थोड़ा ये अडेप्टेबल हो जाता है, कई बार आदमी तो चेंज, फिर समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे भी 1 घंटे की क्लास में बोर हो जाते हैं। एमपी में तो हो जाता था, अब मैकेनिक्स में तो ये है कि न्यूमेरिकल पार्ट है ना, तो इसमें तो चल जाता है अपने को। मुझे लगता है जूम में ट्राई, गूगल मीट ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसी पे वही लिंक भेज दूंगा मैं आपको गूगल मीट वाला, और वो ठीक रहता है तो फिर। क्योंकि कुछ लोगों को लास्ट टाइम वहाँ क्या था इशू, कुछ लोगों बच्चे क्या करते नेट के लिए बोलने लगे थे, यानी सर इस पर नेट ज्यादा लगता है, उस पर नेट कम लगता है, वो सभी को तो खुश नहीं कर पाते ना। समस्या ये है कि अभी भी मैं मीट पे आऊंगा तो फिर आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जूम पे ले लो, एटलीस्ट क्लास तो बीच में खत्म हो जाती है जल्दी से। तो सभी के अपने अपने इफ एंड बट्स हैं। क्योंकि बाकी मुझे लग रहा है कि मैकेनिक्स में शायद 1 घंटा में कंटिन्यू मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तो मेरे पास लैब भी नहीं है आपकी, तो फिर मुझे वैसे अदरवाइज कोर्स में दिक्कत आएगी थोड़ा आगे। तो नेक्स्ट टाइम गूगल मीट पे करते हैं। यस एनीथिंग एल्स, किसी को और पूछना हो कुछ इन क्वेश्चन में? नो सर, थैंक यू सर। तो एक क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आज की क्लास वाइंड अप कर देते हैं, है ना। और अभी मनप्रीत, मनप्रीत है ना आप, सीआर का नाम क्लास में? यस सर। मनमीत हाँ मनमीत मनमीत मनमीत, यस हाँ मनमीत बाबू, अटेंडेंस ले लेना इतने में। ओके सर। ये क्वेश्चन है, ये तो त्याल का ही क्वेश्चन है वैसे तो मुझे लगता है ना। तो इसमें देखिए एक स्फीयर दिया हुआ है और दो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस हैं, है ना, जो ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहे हैं। तो इसमें जो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस पे जो रिएक्शंस हैं, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको डब्ल्यू दिया हुआ है। दोनों तरीके हैं, या तो आप कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं या लाइमिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब तीन कोप्लैनर कॉन्टेंट फोर्सेज आ गई और सिस्टम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आप आंख बंद करके लाइमिस थ्योरम लगा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर बढ़िया रहता है वो। हालांकि इसने तो कॉम्पोनेंट को रिजोल्व किया है, एक्स कॉम्पोनेंट बनाए हैं, वाई कॉम्पोनेंट बनाए हैं, बाकी मैं तो फिर भी वही रिकमेंड करता हूँ कि लैमिस थ्योरम में आसानी, क्योंकि यहाँ पे आसान कैसा है कि आपको एंगल दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, डब्ल्यू दे दिया। तब देखिए ये जो एंगल जितना अल्फा यहाँ गया है वो अल्फा यहाँ पे, जितना बीटा यहाँ पे उतना ये प्लेन यहाँ से इंक्लाइंड हो गया। तो देखो डब्ल्यू तो वर्टिकली डाउनवर्ड, अब आपके पास क्या है, ये आएगा आर ए, ये जाएगा आर बी, और ये नीचे आ गया W। अब इनके बीच के अगर आपको एंगल मिल जाते हैं देन सिंपली वो साइन ला लैमिस थ्योरम लगा दीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना है, कंपोनेंट ये W के अपोजिट, ये जो एंगल एक कंपोनेंट यहां बनेगा ये होती, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आर ए का कंपोनेंट सपोज ये एंगल आपको मिल गया, यहाँ पे कितना है ये वाला एंगल, या ये तो अल्फा मान ऊपर वाले से दिखाया, चलो वाई एक्स चले, ये एंगल अल्फा है, ये वाला जो कंपोनेंट है आर ए साइन अल्फा, सेम यहाँ पे आर बी साइन अल्फा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू को कौन सा बैलेंस कर रहा है,
आर ए का एक कॉम्पोनेंट और आर बी का एक कॉम्पोनेंट। तो ये जो दो इक्वेशन बनेंगी, एक्स एक्सिस में तो साइन ने बैलेंस कर दिया, वाई एक्सिस के अंदर आर ए आर बी का कॉम्पोनेंट वेट से बैलेंस हो रहा है, तो आप इनको सोल्व कर लीजिएगा तो भी आपके सेम आंसर आ जाएंगे। तो जो सा आपको आसान लगे दोनों आप फॉलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। यस ठीक है, क्लियर है भाई क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलो मैं आज ही क्वेश्चन हो गए, चार क्वेश्चन हो गए हमारे, चार या पांच, आप इनके आज सॉल्यूशन बनाइएगा। कल तो कोई, अब हमारी हफ्ते की तीनों क्लास पूरी हो गई ना। यस, तो अब हमारे को, हम मंडे को मिलेंगे, तो मंडे तक के लिए तीनों चारों क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चन और मैं डालता हूँ साथ में, भी मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा उनकी। तो ये क्वेश्चंस प्लीज सभी बनाइएगा, और तीन चार दिन का टाइम है अभी हमारे पास मंडे तक के लिए। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कर दिया करो सर, वो थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाता है। हाँ जी, सर आंसर भी शेयर कर देना उनके से, वो थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाता है, वो पिछले वाला वाइंड अप हो जाता है। नहीं, मेरे को ये था भी कि आंसर दे दूंगा ना तो फिर शायद आप लोग बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर तो आज तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो पिछली क्लास में देता तो फिर बाकी चाहिए तो मैं दे दूंगा नेक्स्ट टाइम से, मैं आंसर के साथ भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई न्यूमेरिकल में डाउट है तो आप सिंपली मेरे को अपने इंडिविजुअली व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के इंडिविजुअली भी, सर ये छूट गया टॉपिक, तो फील फ्री भी लास्ट में ये कहो कि यार सर ने क्या पढ़ा दिया, है ना, एंड ऑफ द डे बोलो कि यार सेमेस्टर के लास्ट में सर ने मैंने क्या पढ़ा दिया। बेहतर ये है कि आप पहले कम्युनिकेट करते रहो कि जो डाउट है उसके लिए, बाद में एक रैंडम कमेंट देने से बेहतर तो यही होगा, तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा, लेकिन अभी आप लोग अपने डाउट्स पूछते रहेंगे तो बेहतर दोनों के लिए ठीक रहेगा। नहीं तो अभी वाइंड अप करें भी क्लास को, है कुछ और किसी को कहना पूछना हो तो बताओ। यस क्लास बोलते नहीं हो कुछ भी, ओके सर कुछ है ना, फिर कर दें वाइंड अप इसको। अटेंडेंस ले ली मनमी? यस सर उसमें ले ली। यस सर ले ली सर, हो गया ना। ठीक है, फिर मैं अभी क्लास को एंड कर देता हूँ और मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, आप लोगों को भेज देता हूँ। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।